कल हाल ही में देखा हमने कि उर्फी के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी? रिसेंटली हिंदुस्तानी पाओ ने भी बहुत कुछ, नो कमेंट्स ऑन दैट, विल यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? नो कमेंट्स ऑन दैट, एज वेल एज व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट टुडेज अटायर, ऑल्दो यू हैव अ डिफरेंट कैटेगरी नाउ एंड देन. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं सुधरने को भी तैयार नहीं. अरे ये नहीं, मैं पांडे लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना गुस्सा लाने हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट बनता है, तो प्लीज उर्फी अगर आप कुछ कहना चाहो. रिसेंटली जो हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं कि अगर आप सही हो तो थोड़ा सा कह दो. अगर फिर नहीं, इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी, फिर तो कुछ. आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो. आप सबको रिप्लाई देती हो? नहीं देती हो ना, आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो. आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो, क्यों ऐसे करती हो, जीन्स क्यों पहनती हो, व्हाई यू बीइंग अ गर्ल. जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू आर योरसेल्फ. एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है. हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते. बट व्हाट अबाउट द व्यूअर्स, दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू, बट द पीपल आर सेइंग एंड इफ उर्फी डजंट सी दैट, व्हाट दैट मींस? हां, बिकॉज़ उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे, बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है. सो आपके जो फैंस है उनके भी फैंस है जो आपके वो चाहते हैं कि आप इस पर कुछ कमेंट करें. क्या कमेंट आप वो आपको खुद बताइए उन्होंने क्या बोला, बिकॉज आपने उसमें हिंट भी दिया है. नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था. एंड दैट्स इट, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट. आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो, दैट्स अ क्राइम, दैट्स इट. थैंक यू, थैंक यू. उर्फी जी इधर रुको.